Let's start with question number 17. The question says that there is an object which is placed at a distance of 40 cm from concave mirror of focal length 15 cm. If the object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror, the displacement of image will be. Let's see the solution. So here, we have a concave mirror of focal length 15 cm. Initially, the object was somewhere here at distance u1, and then later on it was shifted towards mirror at a distance u2, right? So we have to find the image positions for both the locations, and then we can see that image has shifted to which place and by what distance. Let's start. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए. सो मिरर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 1/v + 1/u. कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव लिखा जाता है, -15 सेंटीमीटर. हमें v1 का पता नहीं है, u1 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज -40 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन में दिया हुआ था. यहां से अगर हम v1 की वैल्यू निकालते हैं तो आती है -24 सेंटीमीटर, राइट? तो ये पहली इमेज पोजीशन हो गई. नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन. नाउ इफ आप ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर और मिरर के पास ले जाएंगे तो जो नया आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन होगा वो होगा -20 सेंटीमीटर. अगेन मिरर वही है, तो मिरर फॉर्मूला रखते हैं. सो 1/-15, द न्यू इमेज पोजीशन v2 प्लस 1/ नया ऑब्जेक्ट पोजीशन -20. सो v2 हमें मिलेगा -60 सेंटीमीटर, राइट? सो -24 से -60 कितना चेंज हो गया पोजीशन? सो चेंज ऑफ पोजीशन is equals to 60 - 24, that is 36 सेंटीमीटर. और पहले मिरर के पास था, अब दूर हो गया है, सो अवे फ्रॉम द मिरर. लेट्स सी व्हाट द ऑप्शन वुड बी. सो फर्स्ट नो, सेकेंड यस, सेकेंड इज द आंसर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 2, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड.